हाय आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्पियर एम्पियर को समझने के लिए हम कुछ जनरल एग्जांपल्स लेते हैं सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम लैपटॉप है लैपटॉप की बैटरी की अगर कैपेसिटी को आप ध्यान से देखेंगे तो इसके डिस्क्रिप्शन में हमें इसकी कैपेसिटी एम्पियर में शो होती है इसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक मोटर या फिर पावर बैंक के डिस्क्रिप्शन को हम देखें तो वहाँ पर भी हमें इनकी कैपेसिटी एम्पेयर में शो होगी सिमिलरली और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे कि टीवी, इलेक्ट्रिक प्रेस मिक्सर ग्राइंडर ड्रोन प्रिंटर हेयर ड्रायर और स्पीकर इन सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम के डिस्क्रिप्शन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहां पर इनकी कैपेसिटी आपको एम्पेयर में देखने को मिल जाएगी तो चलिए समझते हैं व्हाट इज एम्पीयर और इस एम्पीयर की हेल्प से ही हम समझेंगे व्हाट इज वन एम्पीयर तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एम्पीयर क्या होता है एक्चुअल में एम्पीयर किसी सर्किट में फ्लो होने वाले करंट को मीजर करने के लिए यूज होने वाली यूनिट है इट मींस एम्पीयर इज द यूनिट फॉर मेजरिंग करंट अगर आप सुपरमार्केट जाते हैं और वहां से कुछ सामान परचेस करते हैं जैसे राइस फ्लोर मिल्क बनानास। तो शॉपकीपर आपको वो सामान किलोग्राम लीटर या डजन में मीज़र करके देता है सेम ऐसे ही करंट को मीजर करने के लिए हम एक यूनिट एम्पियर का यूज करते हैं और इसको हम शो करते हैं कैपिटल लेटर ए से अब इस एम्पियर की डेफिनेशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि सर्किट में जो फ्लो होने वाला करंट है एक्चुअल में ये क्या होता है करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी यहाँ आई करंट है Q चार्ज है और T है टाइम और चार्ज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट मीन्स किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर कुछ इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं तो उसको हम करंट कहेंगे फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड करंट अब क्योंकि करंट के फॉर्मूले में टाइम भी है और टाइम का मतलब होता है रेट तो हम बोल सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड करंट यहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन से है तो इसी करंट को मेजर करने के लिए जिस यूनिट का यूज करते हैं वो होती है एम्पियर चलिए अब समझते हैं व्हाट इज वन एम्पियर हमें पता है करंट का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू क्यू बॉन्टी चार्ज की यूनिट होती है कूलम और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड अब अगर किसी सर्किट में एक कूलम का चार्ज एक सेकेंड में फ्लो हो रहा है तो उसको हम कहते हैं वन एम्पियर इसका मतलब हुआ वन एम्पियर ऑफ करंट मींस वन कुलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन वन सेकेंड अब क्योंकि एक कुलम में 6.25 पॉइंट टू की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इट मींस एक कुलम चार्ज के अंदर हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स देख सकते हैं तो अगर किसी सर्किट में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इट मीन सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू टेन की पावर एटीन इलेक्ट्रॉन्स एक सेकेंड में फ्लो होते हैं तो यहाँ जेनरेट होने वाले करंट को हम वन एम्पियर कहेंगे तो इट्स ऑल अबाउट एम्पियर